आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव बांसल है और मैं एक आयुर्वेदा का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेदा के अंदर रोगों की चिकित्सा करने से ज्यादा महत्व निरोग रहने और स्वस्थ रहने में दिया जाता है। तो निरोग रहने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी दिनचर्या की होती है। जैसा कि अष्टांग हृदयम के अंदर महर्षि वाग्भट जी अपने सूत्र स्थान के दूसरे ही अध्याय के अंदर दिनचर्या का वर्णन करते हैं, तो उसी वर्णन के अनुसार मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आइडियल दिनचर्या होनी चाहिए, जो उत्तम दिनचर्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थमायुषः शरीर चिंतनाम निर्वर्तये कृत शौच विधि सततः। दिनचर्या अध्याय के पहले ही श्लोक में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता है तो उसे सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के पश्चात उषापान यानी कि गुनगुने जल को ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात शरीर का चिंतन एवं मनन करके शौच इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। शुद्ध वायु में श्वास लें, विपुल आकाश के दर्शन करें अथवा सूर्य किरणों को ग्रहण करना चाहिए। महर्षि वाग्भट जी व्यायाम एवं योग को बहुत प्रशंसनीय मानते हैं और यह कफ के रोगियों के लिए तो वरदान मानते हैं, और हेमंत शिशिर और वसंत ऋतु के अंदर व्यायाम से ऊष्मा का संचार होता है जिसके कारण हम शीत ऋतु में निरोग रहते हैं। दंत धावन यानी कि दांतों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए दातुन का प्रयोग करना चाहिए। मैं भी हर रोज नीम के दातुन का प्रयोग करता हूँ। उसके पश्चात अनुतेल का प्रयोग कर नस्य कर्म करना चाहिए। अंत में रोजाना स्नान करना चाहिए, इससे आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जैसी दिनचर्या मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है, अगर आप उसका पालन करते हैं तो महर्षि वाग्भट जी की गारंटी है कि आप जो है निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेदा दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।